गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे से नवरात्रि खेले होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट भी किया होगा। तो अब हमारी एग्जाम आ गई है और आपने वर्कशीट मैंने जितने भी भेजी है 3 वर्कशीट अच्छे से अपने रफ बुक में या पिन पेज में लिख लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट जो उसके अंदर पोयम और निबंध और मैच। हम क्वेश्चन वाइज वर्कशीट कर रहे हैं तो अब करेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में वर्कशीट 4 में काव्य पंक्ति पूर्ण करो ऐसे। तो लीलो कोरो फर्स्ट लाइन में जैसे कि पोयम लिख रहे हो आप, तो जितनी भी फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन में टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट लाइन दी है वो फर्स्ट लाइन में आएगा लीलो कोरो तक। उसके बाद सेकंड लाइन में दूसरा जितना सेकंड लाइन है वो प्रॉपर सेकंड लाइन, भले ही आपके पास यहाँ जगह हो पर आपको टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लाइन जो है वो लिखोगे, सेकंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन में ही आना चाहिए। ओके, तो ये प्रॉपर लिखना आप जब लिख रहे हो पढ़ी भाग तक, ठीक है। तो इसके अंदर अथवा दो पोयम है आपको चैप्टर में फर्स्ट और थर्ड, तो दोनों में से आप एक अच्छे से लर्न करना, या इसमें अथवा आएगा तो उसमें और मतलब के, तो ये दोनों में से कोई भी एक लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में है झटपट से लेकर हुबाहू, तो झटपट से लेकर यहाँ जो लाइन खत्म हो रही है फर्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन दूसरी लाइन में लिखोगे। अब कंटिन्यू जैसे हम ऐसे स्टोरी लिख रहे हैं वैसे नहीं लिखोगे, तो इस तरीके से पोएम आप प्रॉपर लिखना। उसके बाद करें निबंध, कोई पढ़े दोनों निबंध दिए हुए हैं उनमें से कोई पढ़े एनी वन निबंध आपको लिखना है, दरियो या मारी पाठशाला। ओके, और एक अच्छे से प्रॉपर लर्न करना। नेक्स्ट जोड़ का जोड़ो, जोड़ का जोड़ो यहाँ पर आप जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में था वो मैच कैसे था वो पिक्चर के साथ लिखा हुआ था, जैसे कि ये बोल तो यहाँ पर बोल का पिक्चर था, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पर जैसे बोल है तो बोल के साथ क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, बेट, तो इसमें सामने नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर साइड में, जैसे ये बोल यहाँ पर फर्स्ट नंबर, फिर कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के साथ कुकरी क्या आएगा, कुकरी, नेक्स्ट दंडो, दंडो के साथ गिल्ली, और दोरी तो भमरडो, तो इस तरीके से यहाँ नंबर लिखकर हम इसके आंसर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में यहाँ हम नंबर लिखेंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लाइन खींचते हो फिर रफ करते हो पेज फट जाता है, इससे अच्छा यहाँ साइड में नंबर लिख दोगे तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहेगा। ओके, तो आपको जो वर्कशीट भेजी है वो अच्छे से प्रॉपर लर्न करना, तो आपको एग्जाम में पेपर अच्छे से आ ही जाएगा। तो आप अच्छे से पेपर में भी प्रॉपर लिखना, राइटिंग अच्छी करना, अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो राइटिंग के भी मार्क्स कटेंगे, देखना।